दहली गेट पर स्थित एडवांस्ड इमेजिन एंड पैथोलॉजी सेंटर पर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकुर अग्रवाल ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड से शिशु पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। आमतौर पर लोगों में ये धारणा देखने को मिलती है कि गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड हानिकारक होता है, पर डॉक्टर अग्रवाल ने इसको सिरे से नकारा और इसके फायदे भी गिनाए। प्रेगनेंसी में हम लोग अल्ट्रासाउंड लगभग 3 से 4 बार करते हैं ड्यूरिंग द होल ऑफ द प्रेगनेंसी कोर्स। सबसे पहला अल्ट्रासाउंड जो किया जाता है वो प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, दैट वो और वो अराउंड जो है 4 to 6 वीक्स के अराउंड किया जाता है। सेकेंड अल्ट्रासाउंड 13 to 14 वीक्स के अराउंड किया जाता है, ये देखने के लिए कि कोई बच्चे में विकार या डेवलपमेंट एनोमली तो नहीं है। उसके बाद थर्ड अल्ट्रासाउंड अराउंड 20 to 24 वीक्स के आसपास किया जाता है, ये देखने के लिए कि बच्चों के सारे अंग डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, उसमें किसी प्रकार का अनुवांशिक रोग तो नहीं है। उसके बाद जो लास्ट अल्ट्रासाउंड एक डिलीवरी से पहले कराया जाता है, ये देखने के लिए कि डिलीवरी की प्रक्रिया क्या रहेगी और किस प्रकार कोई आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या हमें लेना है। गर्भावस्था के दौरान 4 अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं ताकि पूरे गर्भकाल के दौरान किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। उन्होंने ये भी बताया कि इससे गर्भावस्था के समय होने वाली पथरी के बारे में भी पता लगाया जाता है। डॉक्टर की माने तो गर्भावस्था के दौरान अगर शिशु को कोई परेशानी है या उसका विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है, ये पता करने का अल्ट्रासाउंड सबसे सही तरीका है, जिसमें सबसे पहला अल्ट्रासाउंड 4 से 6 हफ्ते के बीच प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, दूसरा अल्ट्रासाउंड 13 से 14 हफ्ते में बच्चे का डेवलपमेंट चेक करने के लिए, वही तीसरा 20 से 24 हफ्ते में किया जाता है। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।